फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोंटी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और फ्रेंड्स देखिए, हम लोग जा रहे हैं, कुछ काम से और उस उधर से मंदिर जाएंगे। ब्लॉग में बने रहिएगा, हम दिखा रहे हैं, एंड तक बने रहिएगा। कहाँ जा रहे हैं सारा बताएंगे आप लोगों को, और मंदिर भी जाएंगे। देखिए रोड में अभी शाम हो चुकी है, उतना शाम नहीं है पर हुई है। देखिए रोड का नज़ारा कैसा है, इधर इधर उधर, मतलब दो दिन से धूप है तो बहुत अच्छा लग रहा है मौसम भी। और अभी जा रहे हैं हम लोग मंदिर, देखिए। और फ्रेंड्स देखिए, हम मंदिर पहुंच चुके हैं। देखिए मंदिर का दृश्य कितना सुंदर लग रहा है। आज थोड़ा जल्दी आए हैं तो ऐसे तो रात का नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को, शाम का तो शाम होने ही वाली है अभी। तो देखिए शनिवार का दिन है तो शाम है, मतलब तो शनिवार को हम शनि मंदिर आए हुए हैं और दिया लेके पहले दिया जलाएं। देखिए कितना अच्छा पेड़, नीचे से दिया जल रहा है, मतलब भीड़ उतना हुआ नहीं है जैसे कि ये शाम में। धीरे धीरे जितना शाम होते जाएगा उतना होते जाएगा। देखिए ओम शनि शनिचराय नमो नमः। शनि महाराज जी का आरती हो गया है। हम आज आरती में थे क्योंकि आज हम जल्दी आए थे, इसीलिए थोड़ा मंदिर सोचे कि हम आरती में रहते हैं और भोग भी लगाएं। तब तक मतलब शुरुआते में हम आज हैं, शुरुआत से ही मंदिर का, जब पूजा शुरू हो गया था, आरती हो रहा था, भोग लग रहा था। और हम भी देखिए दिया जला लिए हैं। उसके बाद दिया जलाने के बाद हम वीडियो थोड़ा शूट कर लेते हैं, क्योंकि पूजा तो भगवान का पूजा में कैसे ये करें, इसीलिए दिया हुआ पूजा उजा आरती उरती हो गया, उसके बाद हम कर रहे हैं थोड़ा सा शूट जो हम ब्लॉग बना रहे हैं। और देखिए आंटी का वो लगा लिए हैं, पूजा कर लिए हैं। और अच्छा नहीं लगता है बोलने में, मंदिर है तो सबको लोग देखते रहते, देखिए ये क्या कर रही है क्या नहीं, उसमें अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम सिर्फ वीडियो लेते हैं। और वीडियो लेके बाद में हम रील को बनाते हैं आपके घर में। और देखिए कितना अच्छा से पूजा पाठ भक्तजन लोग सब कोई कर रहे हैं, और धीरे धीरे शाम होते जा रही है। और देखिए धीरे धीरे भीड़ भी होते जा रही है, जितना शाम होगा रात होगा 7-8-9 बजे तक यहाँ भीड़ रहती है मंदिर में शनिवार को। और आज तो हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा लगा ना कि जैसे कि आज हम बहुत अच्छा से मतलब शुरुआत से शुरू किए हैं पूजा, जैसे भोग लगना, दिया आरती दिखाना, आरती करना, आरती ये जो इतना भीड़ नहीं था तभी हम पहुंच चुके थे और कर लिए थे। हमको बहुत अच्छा लगा आज शनिवार को शनि मंदिर में शनि महाराज जी का करने में। और सारे लोग हैं, आना जाना कर ही रहे हैं, पहले तो कोई नहीं था, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अब फ्रेंड्स हम सब कुछ कर लिए तो भोग भी ले लेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है शनिवार को शनि महाराज जी का खिचड़ी का भोग लगता है, तो खिचड़ी का भोग भी लगेगा तो भोग लगा हुआ था प्रसादी ले लेंगे। और देखिए हम अब भोग लेंगे, मतलब प्रसाद लेंगे शनि महाराज जी का, जो ये हुआ था चढ़ा हुआ था हम लोग, हम जो साथ में थे, हम लोग सब कोई पंडित जी, हम और एक दो जन थे बस, इतने हम लोग किए थे। और अब हम प्रसादी ले लेते हैं, उसको खा लेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। ये देखिए इतने सारे दिया है, 10 रुपये पीस करके यहाँ मिलती है, आप लोगों को तो पता ही है, पिछले ब्लॉग में हम दिखाए आप लोगों को कि दिया सब यहाँ मिलती है बना बनाया हुआ,
ओम शनि शनिचराय नमो नमः। और एक बार शनि महाराज जी को माथा टेक दिए, तो बड़ी सी घंटी लगी हुई है, देखिए कोई घंटी दिया है। और बाहर का देखिए, उधर का मंदिर भी कितना सुंदर लग रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, हम खिचड़ी ले लिए हैं, प्रसादी ले लिए, उसके बाद अब प्रसादी खाएंगे, फिर घर की ओर जाएंगे। ब्लॉक में बने रहिएगा एंड तक। क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं सारा कुछ दिखाएंगे आप लोगों को। और अब हम खिचड़ी खा लेते हैं फ्रेंड्स, प्रसादी। और आइए आप लोगों को भी शनि महाराज जी का खिचड़ी प्रसादी खिलाएंगे। और देखिए हम खा लिए, उसके बाद हाथ धोने के लिए गए और हाथ भी धो लिए। उसके बाद फिर अब जा रहे हैं हम, देखिए मंदिर। और ऊपर तो और नहीं चढ़ेंगे, चारों साइड का दिखा रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं, देखिए खा लिए, पूजा कर लिए, प्रसादी भी ले लिए। देखिए रोड का नज़ारा, अब रोड सामने है, कितना सुंदर अभी लग रहा है मौसम। और फ्रेंड्स, हम प्रियंजल के लिए ले लेते हैं वेज चिली चाउमीन, बोले थे उसको तो ले लिए। देखिए ताज़ा ताज़ा अच्छा बना के देता है, अच्छा रहता है, इसके पास तेल उल भी अच्छा रहता है, अच्छा बनाता भी है, ज़्यादा तीखा मिर्ची नहीं डालता है, जैसा बोलते हैं ऐसा बना देता है, तो अच्छा लगता है, तो ले लिए, पैक करा लिए हैं। और उसको बोले थे कि तुम रहना, हम लोग थोड़ा काम से जाएंगे, और तो वो बात मानती है। और उसके लिए ले लिए। और देखिए हम बुद्धि मोड़ चौक पहुँच चुके हैं, यहाँ पर अभी लेने आएंगे हम लोग, कुछ और काम से जाएंगे हम, वो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे कहाँ गए थे, क्या हुए थे, वो सारा कुछ। और फ्रेंड्स, हम लोग जो काम से जाना था वहाँ भी गए थे, उसके बाद घर की ओर जा रहे हैं। देखिए रात हो गया है, घर उधर से जाके उधर से आते आते में देखिए प्रियंजल अभी ट्यूशन चली गई है। प्रियंजल के पापा हमको घर पहले पहुंचा देंगे, उसके बाद फिर वापस से जाएंगे दुकान, और दुकान जाने के बाद उसको ट्यूशन से लेते आएंगे रात में, हमको पहले घर पहुंचा रखेंगे। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है पंडाल बनने के लिए, शुरू हो गया है। अब देखिए कितना खूबसूरत बन रहा है बस्ती, हम लोग के गली मोहल्ला में बूटी बस्ती। और फ्रेंड्स घर पहुंच गए हैं, घर आ है। उसके बाद फिर अब घर आने के बाद देखे कि कितनी भीड़ थी उधर रोड में, और उसमें हम लोग पूजा वूजा भी कर लिए, पूजा भी मंदिर में अच्छा से हो गया। तो घर में अभी देखिए धूप दिखाएंगे, तो अभी हम सबसे पहले में करते हैं कपड़ा वपड़ा चेंज, उसके बाद फिर धूप दिखाएंगे, उसके बाद फिर खाना पीना बनाएंगे। ब्लॉग में बने रहिएगा, हम दिखाएंगे आप लोगों को क्या करते हैं क्या नहीं। और अभी बनाएंगे, शाम मतलब रात हो ही गया घर आते आते। और फ्रेंड्स देखिए घर आ चुके हैं, घर आते आते रात हो गया है, शाम हो गया, देखिए पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। कपड़ा पसार के रखे थे उस सबको अभी हटाएंगे। देखिए अब हम मतलब शाम हो ही गया, आ गए 6:30-7:30 हो रहा है। तो सबसे पहले हम अब घर में दिया हुआ दिखा लेते हैं, धूप उप जला लेते हैं, उसके बाद फिर खाना पीना बनाएंगे। ब्लॉक में बने रहिएगा, देखिए कितनी अंधेरा रात हो गई है, देखिए उधर जो फ्लैट में दिख रहा है आप लोगों को देखिए। और आइए अभी हम करते हैं कुछ कुछ, दिखाते हैं आप लोगों को। सुबह का है मेरा, इधर अभी लाए हैं खरीद के, और सुबह का है, बर्तन वर्तन धो लेते हैं सबसे पहले में।
रात हो गया तो और अभी हम आ गए हैं पहले ही घर। प्रियांजल उसके पापा मतलब हमको उसके पापा छोड़ दिए और अभी वो वापस चले गए हैं क्योंकि उनका वो अभी ट्यूशन गई थी, उसको छोड़ के हम लोग जो गए थे। हम तो पहले मंदिर गए, उसके बाद फिर उधर हमको कुछ और काम था वहाँ भी गए, उसके बाद फिर हमको छोड़ दिए हैं अभी रूम में। फिर वो गए हैं अभी लेने उसको, तो अब हम घर का काम कर लेते हैं, खाना पीना बनाएंगे, फिर उन लोग आएंगे तो फिर उन लोगों को देंगे खाने के लिए। और फ्रेंड्स आज मेरा घर का मतलब मंदिर से आने के बाद घर का जितना भी काम था, बर्तन धोना और घर के बाहर में जितना मेरा कपड़ा सब था, सारा कपड़ा को हम जैसे कि घुसाएं, सब कपड़ा घुसाने के बाद सरियाएं, सरिया के रखने रखे, उसके बाद एक दो बेटी का भी जैसे कपड़ा था मेरा वो सूखा हुआ नहीं था पर था, तो उसको हम आयरन किए, आयरन करके मोड़ के रखे, सरिया के रखे। और जैसे दो मंदिर से आए और भी कुछ कुछ काम कर लिए उधर, उसके बाद और भी कुछ काम था तो वो सब भी हम कर लिए, आप लोगों को हम बताएंगे बाद में अभी नहीं, और वो भी किए। उसके बाद घर आने के बाद धूप दिखाए, पूजा किए, थोड़ा मतलब दिया दिखाए, शाम का टाइम था तो, और उसके बाद सारा बर्तन कपड़ा सब कर लिए। उसके बाद खाना भी बनाए, खाना बनाने के बाद बेटी को खिलाए, बेटी भी खा ली, उसके बाद फिर खाना उना हम लोग तीनों जन खा लिए और सब कुछ हम लोग का हो गया। और मच्छरदानी लगाए, बेड सरिया मतलब समेटे सरियाए, झाड़े उड़े सब कुछ किए। और उसके बाद सारा हो गया, उसके बाद अब हम लोग खाना उना खा भी लिए तो अब हो गया रात का 10:30 हो गया, 10:40 हो रहा है, 10:40 तो अपने 11 होने ही वाला है। तो और सब काम हो गया हम लोग का आज का। तो आई होप कि आप सभी लोगों को आज का मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जितना भी हम ब्लॉग बनाएंगे, मेरा ब्लॉग आप लोगों का आते आएगा तो देखिएगा, सारा नोटिफिकेशन आते रहेगा उसका बेल आइकन को दबाने से। और तब आज के लिए इतना ही, हम ब्लॉग को यहीं तक एंड करते हैं, फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। रात का 10:45 हो ही गया है तो आप सभी को गुड नाइट, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।